नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। सीटीईटी दिसंबर सत्र के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगी। परीक्षा 15 दिसंबर 2024 को दो पालियों में होगी। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय से आवेदन करें। प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट cett.nic.in पर जाकर सभी आवश्यक चरणों का पालन कर सकते हैं। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने जा रही है। पहला मैच 16 अक्टूबर को होगा। रोहित शर्मा के आंकड़े न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार हैं। उन्होंने 6 टेस्ट में 424 रन बनाए हैं। हालिया सीरीज में उनका प्रदर्शन सामान्य रहा है, लेकिन आगामी मैचों में धमाकेदार खेल की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि एनसीईआरटी इस साल 15 करोड़ पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करेंगी, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। अमेज़न के साथ साझेदारी में किताबें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे छात्रों को आसानी से और उचित कीमत पर शिक्षा सामग्री मिलेगी। ई पुस्तकें भी इंटरैक्टिव और AI संचालित होंगी। रोहित शर्मा के बचपन के कोच ने आश्वासन दिया है कि हिटमैन 2027 में वनडे विश्व कप में खेलेंगे। उनकी हालिया फॉर्म शानदार है, जिसमें 2023 में 1255 रन बनाए हैं। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने हाल ही में बांग्लादेश को 2-0 से हराया है, जिसमें उन्होंने तेजी से 23 रन बनाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी MCFE ने 2024 के लिए सेलिब्रिटी हैकर हॉट लिस्ट जारी की है, जिसमें भारतीय सेलिब्रिटीज का नाम भी शामिल है। इस सूची में ऑडी पहले स्थान पर है। इसके बाद दिलजीत दोसांझ, आलिया भट्ट और अन्य शामिल हैं। स्कैमर्स इन सितारों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों से पैसे और डेटा चुराते हैं। व्हाट्सएप ने ग्रुप और इंडिविजुअल चैट के लिए कॉल लिंक फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अब यूजर आसानी से चैट में कॉल लिंक क्रिएट और शेयर कर सकेंगे। ये नया फीचर व्हाट्सएप बीटा फॉर एंड्रॉयड 2.24.21.29 में उपलब्ध है। साथ ही iOS यूजर्स के लिए चैट थीम्स फीचर भी जल्द रिलीज होगा। BPSC ने 69वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साक्षात्कार कार्यक्रम की घोषणा की है। साक्षात्कार 15 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच होंगे। इसके अलावा 70वीं CCE परीक्षा की तिथि 17 नवंबर से बदलकर 13 और 14 दिसंबर 2024 कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल ने वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी फोर्टिनेट के साथ मिलकर एयरटेल सिक्योर इंटरनेट सेवा शुरू की है। ये सर्विस कंपनियों के इंटरनेट को सुरक्षित रखने में मदद करेगी, जिससे एंड टू एंड सुरक्षा प्रदान किए जाएंगे। फोर्टिनेट के फायरवॉल और सुरक्षा मंच के साथ मिलकर ये तकनीकी दुरुपयोग से बचाव करेगा, जिससे बिजनेस भविष्य के लिए सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार की आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। बिहार सरकार ने 8.50 करोड़ पात्र लोगों में से तेजी से कार्ड जारी करने का आदेश दिया है। डेटा ऑपरेटरों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे ज्यादा लोगों को जल्द आयुष्मान कार्ड मिल सके। आवेदन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं। हाल ही अध्ययन से पता चला है कि यात्रा न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि समय से पहले बुढ़ापे के संकेतों को भी रोक सकती है। नए अनुभव सामाजिक संपर्क और बेहतर नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। यात्रा से मिलने वाले ये लाभ लंबे समय तक आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। टाटा मोटर्स ने महिंद्रा थार और जीप को टक्कर देने के लिए एक नई 4x4 SUV लॉन्च करने की योजना बनाई है। 2023 ऑटो एक्सपो में हैरियर EV का प्रदर्शन और सेरा को नए रूप में पेश करने की पुष्टि की गई है। टाटा का लक्ष्य ऑफ रोडिंग सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करना है, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। जर्मनी के ADAC के हालिया सर्वे में खुलासा हुआ है कि 60% जर्मन नागरिक चीनी कारों, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दे रहे हैं। 30 से 39 वर्ष के आयु के 74% और 18 से 29 वर्ष के 72% युवा चीनी ब्रांड खरीदने के इच्छुक हैं। ये दर्शाता है कि जर्मन बाजार में चीनी कारों की मांग बढ़ रही है। भारत का चाय निर्यात जनवरी से जुलाई 2023 में 23.79% बढ़कर 14.45 करोड़ किलोग्राम हो गया है। हालांकि निर्यात से प्राप्ति प्रति किलोग्राम 264.96 रुपये से घटकर 256.37 रुपये हो गई है। चाय उद्योग के विकास के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 664.09 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है, जो 2023-24 से 2025-26 तक खर्च होंगे।
सेकेंड हैंड कार खरीदते समय केवल डिजाइन पर ध्यान ना दें, कार की सर्विस हिस्ट्री, इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, टायर, इंजन और माइलेज चेक करें। हमेशा टेस्ट ड्राइव पर 5 से 7 बार जाएं और कार के इंश्योरेंस पेपर की स्थिति जानें। मैकेनिक की मदद से संभावित समस्याओं का पता लगाएं ताकि भविष्य में परेशानियों से बचा जा सके। एक्टर रणवीर सिंह ने मुंबई में सिंघम अगेन के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक परेशान बच्ची को गोद में उठाकर उसकी मदद की। भीड़ में खोई हुई बच्ची को देखकर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर उनके इस कदम की सराहना हो रही है और फैंस ने उनके पिता की भूमिका की तारीफ की है। रणवीर की सहानुभूति ने सभी का दिल जीत लिया है। रणबीर कपूर, जिन्हें बॉलीवुड का हैंडसम एक्टर माना जाता है, उन्होंने 2007 में सांवरिया से डेब्यू किया था। संजय लीला भंसाली ने कहा कि रणबीर की एक्टिंग ने उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने आलिया भट्ट के बारे में भी बात की, जिनकी क्षमता ने उन्हें चौंका दिया था। भंसाली जल्द ही रणबीर और आलिया के साथ एक नई फिल्म में काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से स्टॉक एक्सचेंज में उछाल आया। लगातार 6 दिनों की बिकवाली के बाद बीएसई सेंसेक्स 584 अंकों की वृद्धि के साथ 81,634 पर और निफ्टी 240 अंकों की तेजी के साथ 25,013 पर बंद हुआ। निवेशकों की संपत्ति में 8,00,000 करोड़ रुपए का उछाल आया, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी देखी गई। जुलाई सितंबर तिमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी इक्विटी यानी पी निवेश 2.2 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 93.4 करोड़ डॉलर था। जनवरी सितंबर 2023 में कुल पी निवेश 3.9 अरब डॉलर रहा। औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्र ने 1.7 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया, जबकि वाणिज्यिक कार्यालय क्षेत्र ने 21% का हिस्सा लिया। स्पाइसजेट अगले महीने अपने बेड़े में 10 नए विमान शामिल करेगी, जिसमें से पहला 10 अक्टूबर को जोड़ा जाएगा। एयरलाइन ने 3,000 करोड़ रुपए की नई पूंजी हासिल की है, जिससे वो अपने ग्राउंडेड विमानों को भी चालू करेगी। स्पाइसजेट ने सभी लंबित वेतन और जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है और परिचालन क्षमता को मजबूत करने की योजना बना रही है। रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ध्यान देना चाहिए कि पेंशन जारी रखने के लिए उनके लाइफ सर्टिफिकेट 30 नवंबर 2024 तक जमा करना जरूरी है। डिजिटल और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है। समय पर जमा ना करने पर पेंशन बंद हो सकती है। वरिष्ठ नागरिक फेस ऑथेंटिकेशन से भी प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है कि एक वीडियो जिसे भारतीय लड़ाकू विमान तेजस को बताया गया है, दरअसल ये सिमुलेशन है। रक्षा विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि तेजस में वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता नहीं है। ये वीडियो BAUS नामक YouTube चैनल पर 21 अगस्त 2024 को अपलोड किया गया था और ये वास्तविकता से दूर है। पूर्व कप्तान यान चैपल ने ऑस्ट्रेलिया को सलाह दी है कि उन्हें ट्रेविस हेड को भारत के खिलाफ ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। हेड के टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग करने की क्षमता पर सवाल उठाते हुए चैपल ने कहा कि उनकी आक्रामकता छोटे प्रारूपों में प्रभावी है, लेकिन टेस्ट में स्थिरता जरूरी है। वे चाहेंगे कि हेड क्रीज पर आने से पहले बोर्ड पर रन हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में मंगलवार को 4% की वृद्धि हुई, जो 500 करोड़ के नए ऑर्डर से प्रेरित है। शेयर की कीमत 267.35 रुपए से बढ़कर 277.80 रुपए तक पहुंच गई है। कंपनी ने इस वित्त वर्ष में 7,689 करोड़ रुपए के ऑर्डर जुटाए हैं, जिससे इसके भविष्य की संभावना मजबूत बनी हुई है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आज के दिन 8 अक्टूबर वर्ष 1936 को उनका निधन हुआ था। उन्होंने गोदान, रंगभूमि और ईदगाह जैसी रचनाओं के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं को उजागर किया। उनके लेखन में गरीबी और किसानों की व्यथा, नारी सम्मान और रूढ़िवादिता पर सवाल उठाए गए हैं। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है, समाज को जड़ों से जोड़ने का संदेश भी देती हैं। दिवाली केवल रोशनी का त्यौहार नहीं बल्कि घर की सफाई का भी समय है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस दौरान घर की गहरी सफाई लक्ष्मी माता का स्वागत करने के लिए जरूरी है। कबाड़ हटाना, दीवारों और फर्नीचर की सफाई और किचन को व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है। साथ ही सजावट से त्यौहार का माहौल और भी खुशहाल बनता है। सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि WHO ने मिलावटी दूध के कारण 2025 तक 87% भारतीयों को कैंसर होने की चेतावनी दी है। हालांकि WHO ने इस प्रकार की कोई सलाह नहीं दी है। ये जानकारी 2018 के दैनिक भास्कर के एक पुराने आर्टिकल से आई है। हालांकि इसे WHO और भारतीय मंत्रालयों ने खारिज किया है। बादाम के छिलके भी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इन्हें हेयर मास्क, चटनी और फेस पैक बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। छिलकों से बालों की मजबूती बढ़ती है, स्वादिष्ट चटनी बनती है और त्वचा निखरती है।
दांतों की सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। पटियाला रेलवे ने 250 अप्रेंटिस पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किए हैं। आवेदन 7 अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 6 नवंबर 2024 तक किए जा सकते हैं। न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष है। 8वीं से 12वीं पास और संबंधित ITI डिप्लोमा आवश्यक है। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए ₹100 है। 8 अक्टूबर 2024 को सुबह 11 बजे के आसपास इंस्टाग्राम की सर्विस अचानक डाउन हो गई है। यूजर्स ने डाउन डिटेक्टर पर शिकायतें भी दर्ज की, जिसमें 11:30 बजे तक 1900 से ज़्यादा रिपोर्ट आए। लोगों ने एक्स यानी ट्विटर पर भी जानकारी साझा की। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए 12 अंकों का परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी UIN जारी करने का निर्णय लिया है, जो आधार कार्ड से जुड़ा होगा। इस कदम से शैक्षणिक जानकारी एकत्रित और सुरक्षित रखने के साथ फर्जी मार्कशीट पर रोक लगेगी, जिससे भर्ती परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर काबू पाया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है बिरवंश कुमार, गोविंद कुमार, नौसाद राजा, प्रमिला कुमारी, दीपक कुमार, अरविंद सिन्हा, मोहम्मद अरमान बिहारी, प्रिंस पासवान, उन्नू गोलू कुमार, राजन राम बाबू दास, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, रेहाना आलम, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, वरुण सिंह। अब बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।